फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हमने बनाया है मिर्ची भजी और बहुत ही टेस्टी और तड़केदार। बारिश हो रही हो और भजी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है भजी। तो फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी झटपट बना लेते हैं, चलते हैं। मुंह में आ रहा है ना पानी, तो चलते हैं रेसिपी की ओर। मिर्ची भजी सबको ही पसंद है और हर किसी को ये भजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है 4-5 मिर्च और यहाँ ये बड़ी मिर्ची बोला जाता है और छोटी मिर्ची का भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ ये इस तरीके की देखिए मिलती है और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये खाने में। तो इससे कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बहुत ही इजी और आसान तरीके से दिखाने वाली हूँ। भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये पूरा हम इसमें डाल रहे हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा, एक चम्मच जितना डालेंगे, एक चुटकी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक चुटकी जितना मैं डाल रही हूँ, तो एक चुटकी जितना मैंने डाला है। और थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी ऐड करके अच्छे से करना है मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो मैं आज भुजिया बनाने की रेसिपी जो दिखा रही हूँ, ये जो भुजिया होती है ना फ्रेंड्स, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं लगती, एकदम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम शिमला मिर्ची की जैसे इसका स्वाद आता है। तो इसमें आपको मतलब लगता है ना कभी कभी कि ये तीखा लग जाता है, तो जो छोटी वाली मिर्च का बनाओगे तो तीखा लगेगा। तो इसका पूरा ध्यान रखते हुए ये बड़े वाली मिर्ची लाना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए इसे बैटर को अच्छे से बना लेना है, एकदम पतला, और एकदम गाढ़ा भी ना हो और एकदम पतला भी ना हो, इसमें इस तरीके से इसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस बैटर को पूरा बनाया है। ये देखिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ इसे ये फ्रेंड्स पूरा बैटर को जो है ना मैंने इस तरीके से बनाया है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मिर्च लेंगे। तो पूरी मिर्च इसमें डालेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पूरा डाल के रख देना है। ओनली 5 मिनट के लिए रख देना है, इससे क्या होता है वो अच्छे से इसको पकड़ लेगा, मतलब जो बेसन है वो इसे अच्छे से पकड़ लेगा और बाद में आप इसे अच्छे से तलना है। तो यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है अच्छे से मिक्स करके। तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रख देना है, बस 5 मिनट के लिए रखना है, एकदम 2 मिनट भी रखे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से रखने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में ऑयल डाला है और ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ना इसको देखिए इस तरीके से करना है और यहाँ एकदम धीरे धीरे आपको छोड़ना है। ऑयल हमारा गर्म है, ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बहुत ज़्यादा डीप कढ़ाई होते हैं ना फ्रेंड्स, उसी में बनाना, उससे बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया है। और नॉनस्टिक में बनाएंगे तो उसी में वो चिपक के बैठ जाता है फ्रेंड्स। तो इसका पूरा ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से एक साइड से पक गया है और हम दूसरी साइड में इसे उल्टा पुल्टा करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसे बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। देखिए इसे ही इस तरीके से फ्राई कर लेना है, इसे फ्राई हो गए हैं ये देखिए। और इसे हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो गए फ्रेंड्स ये देखिए। और दो बचे हैं, उसे भी इस तरीके से डालेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो भजी है वो बन के रेडी है, एकदम यमी और टेस्टी एंड डिलीशियस। आपको बहुत ही पसंद आई होगी इसकी रेसिपी, मैं उम्मीद करती हूँ। और फ्रेंड्स, रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।